बेस्ट ऑफ कंटेंट इंक्लूसिव ऑडियो वीडियो में हम लोगों ने जो करवा दिया है। थैंक यू यूएनयू चैलेंज के साथियों को जो हमें दोबारा यहाँ बोलने का मौका दिया। संस्था के बारे में जाने तो दर्शन संस्था जमीनी स्तर पर वंचित समुदाय के साथ कार्यरत है। संस्था की स्थापना डॉक्टर गोपालन आउटे ने 1985 में की और विधिवत पंजीयन इसको 1996 में हुआ। टाटा के साथ जो CRS हब है उसमें भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। यदि हमारे मुद्दों पे हम नजर डालें तो दलित एवं आदिवासी समुदाय के साथ हम लोगों ने काम किया है, पारसी समुदाय के साथ स्वास्थ्य शिक्षा जीविका कार्य किया है, सिर पर मेला उठाने वाली जो असामाजिक कुप्रथा है उस पर कार्य किया जिसके चलते 215 परिवारों को एक समय रहते उस कुप्रथा से दूर किया है। भूमि के अधिकार को लेकर दलित और आदिवासी समुदाय के साथ कार्य किया जा रहा है। बाल अधिकारों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें 340 बच्चों के साथ हमने बाल पत्रकारिता पर कार्य किया है। पारधी मोगिया सफेरा समुदाय के बच्चों के साथ स्वास्थ्य शिक्षा पर कार्य किया है और दलित समुदाय के बच्चों के साथ स्पॉन्सर प्रोग्राम को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम किया है। पर्यावरण को लेकर हमारी संस्था काम कर रही है, नदी बचाओ अभियान और रेत उत्खनन को रोकने के लिए प्रचार प्रसार। विकलांग साथियों के लिए सशक्तिकरण को लेकर विकलांग व्यक्तियों को जिला स्तर पर एक संगठन बनाने के लिए काम कर रही है। लेकिन जो खास मुद्दा है जिसपे मैं सीधे आ जाता हूँ, संस्था ने बाल पत्रकारिता के संदर्भ में हम थोड़ी सी बात कर लें। बच्चों को अपनी बात रखने का कानूनी अधिकार है पर कहाँ, हम सब लोग यहाँ एनजीओ सेक्टर के लोग बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बच्चों की बात कर रहे थे जिसमें उनके हरासमेंट की बात हो रही थी, उनके अधिकारों के हनन की बात हो रही थी। निश्चित हम देखें कि कानूनी अधिकार तो है लेकिन वो अपनी बात कहाँ रखें, उनके बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जमीनी स्तर पर वंचित समुदाय के बच्चे हैं, दलित आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं जो गाँव में निवास करते हैं। दूसरी बात है कि पत्रकारिता सामाजिक बदलाव हेतु एक सशक्त माध्यम है, हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ इसे चौथा स्तंभ माना गया है। पत्रकारिता एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है जो देश के आधार स्तंभों में जिसको गिना जाता है। बच्चों की अपनी दुनिया है, उनकी अपनी समस्याएं हैं पर व्यक्त करने के लिए कोई मंच नहीं है। उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, उनकी अपनी दुनिया है लेकिन व्यक्त करने के लिए कोई मंच नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ खुलकर बच्चे अपनी बात रख सकें, उनकी अपनी दुनिया की बात कर सकें, नहीं कर पाते। ग्रामीण एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उल्लेख होता ही नहीं, कम होता है। जो प्रिंट मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, उसमें बच्चों की बातें होती हैं, बच्चों को ट्रांसफर यहाँ से वहां ले जाया गया, बच्चों के साथ हरासमेंट हुआ, छोटी छोटी खबरें कहीं छोटे से में दिखाई देगा लेकिन बड़ी न्यूज नहीं बनती है। वो भी खासतौर पर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं जो हमारे गाँव में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभा का उल्लेख, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनकी उनकी बातों का उल्लेख ही नहीं होते हैं। गाँव में यदि कोई बच्चा अच्छा लिख रहा है, निबंधकार है, पेंटिंग बना रहा है, उसकी कोई बात नहीं होती, उसकी कोई यूज नहीं सकती, उसे कोई कवर ही नहीं करता है। बच्चे अपनी बात रख सकें, बच्चों की समस्या समाज अवगत हो सके एवं बेहतर नागरिक बन सके, इसी इस हेतु संस्था ने बाल पत्रकारिता पर काम किया। एक बेहतर नागरिक की जरूरत है हमारे देश के लिए, क्या पूरी पृथ्वी के लिए बेहतर नागरिक की जरूरत है। जिस तरीके से हम भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तमाम बातें हैं, इन सब के लिए हमें एक बेहतर नागरिक बनने की बहुत आवश्यकता है। यदि पत्रकारिता पर हम काम देखें तो संस्था ने 2007 से बाल पत्रकारिता पर काम प्रारंभ किया। सरकारी शालाओं के शिक्षकों के साथ और बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया ताकि वे जान सकें कि पत्रकारिता क्या है, कैसे होगी, इसके परिणाम कैसे होंगे हमारे सामने। शाला स्तर पर बच्चों के साथ लेखन कार्य किया गया एवं प्रत्येक शाला से 10 बच्चों को चुनकर एक समूह बनाया गया जो कि बाल पत्रकारिता पर काम करेंगे और पत्रकार के रूप में अपने गाँव में अपनी पहचान बनाएंगे। पत्रकारिता को लेकर बच्चों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो समूह हमारे गांव में बने 10-10 बच्चों के, उन समूहों को लेकर ब्लॉक स्तर पर हमने कार्यशाला का आयोजन किया ताकि वे किस प्रकार न्यूज लिखना है, कैसे साक्षात्कार लेना है, इन सब चीजों से परिचित हो सके। समाचार लेखन, कार्टून कला तथा फोटोग्राफी को लेकर भी हमें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कार्टून, बहुत महत्वपूर्ण है किसी पेपर में फोटो छपना, एक फोटो 1000 शब्द कहती है, इन सब चीजों को लेकर हमने उसका प्रशिक्षण दिया। पालक एवं शिक्षक साथियों से ग्राम स्तर पर जाकर पालक को, शिक्षक को और बच्चों को साथ बिठाकर ये बताया कि बाल पत्रकारिता क्या होती है, इसके क्या शुभ परिणाम हमारे सामने आएंगे और क्या बदलाव समाज के सामने देखने को आएंगे। बाल पत्रकारों द्वारा प्रशासनिक मीडिया और जनप्रतिनिधियों के साथ साक्षात्कार लिया गया। BBC लंदन के साथ हमारे पत्रकारों ने साक्षात्कार लिया है एक दूसरे के साथ जुड़कर। समय समय पर एक्सपोजर की, किस प्रकार न्यूज बड़े न्यूज पेपर चलते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसके परिणाम देखें तो प्रथम चरण में त्रैमासिक न्यूज़पेपर से प्रकाशित शुरू हुआ था। ओके सर, हो गया। और अब प्रतिमाएं न्यूज़पेपर छपता है।
1000 प्रतियों में हम इस न्यूज पेपर को छापते हैं। जिले में 340 बाल पत्रकार तैयार है जिसमें 70% लड़कियां हैं। बच्चों के संपादक मंडल है, बच्चों का संपादक मंडल है जो 5 सालों से खुद पेपर चला रहा है। इसके लिए किसी का सपोर्ट नहीं है, बच्चे खुद मिलकर काम करते हैं। संस्था सिर्फ प्रिंटिंग का खर्च उठाती है। दरअसल बाल पत्रकार प्रशिक्षक के रूप में तैयार हुए हैं, वे खुद प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को ताकि दूसरी लाइन भी तैयार हो सके बाल पत्रकार बने। ग्राम स्तर पर समस्याएं खुलकर उठने लगी। 12 बजे स्कूल खुलता है, कोई नहीं छापता है गाँव में। 5 महीने से स्कूल बंद है। और आखिरी बात, बच्चों के न्यूज पेपर के चलते कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड हुई। हमारे जिले हमारे देश की एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है। सब बच्चे पास, 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक एजुकेशन के लिए रूल्स है, सब बच्चे पास है। शिक्षा गारंटी कानून है, लेकिन शिक्षा गारंटी कानून के दुष्परिणाम क्या है? लेकिन हमारे बच्चों ने पहल की, उसके चलते कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड हुई। 1 सेकंड सर, मैंने बंदी कर दी।